हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में चार बलात्कारियों की मौत पर स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी दिखाई दी। सबका मानना है कि जो ये घटना घटी है उसका पुलिस ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर ये बलात्कारी बच जाते तो वे लचीले कानून का फायदा उठाकर समाज में और जघन्य अपराध कर सकते थे। ऐसे आरोपियों को फांसी ही सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधी कानून की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी को वेक ऑफ होकर अंजाम दे देते हैं, जिस पर सख्त से सख्त कानून लाकर नकेल कसने की जरूरत है। हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में चार बलात्कारियों की मौत पर सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। सबका ये मानना है कि जो ये घटना घटी है उसका पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर ये बलात्कारी बच जाते तो वे लचीले कानून का फायदा उठाकर समाज में और जघन्य अपराध कर सकते थे। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधी कानून की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऐसे अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, जिस पर सख्त कानून लाना चाहिए ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप एवं भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि हैदराबाद में जो दिल दहला देने वाला अपराध हुआ है वे बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चारों बलात्कारी आज भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और ये उन्हें उचित सजा भी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों पर तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता है जब तक देश में कानूनी प्रक्रिया तेज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए निर्भया कानून तो बनाया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है, इसलिए अपराधी दरिंदे इस बात का लाभ उठाकर दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा इतना ही मानना है कि जो इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं उनको जल्दी से जल्दी और जो है वो सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की सजा, ताकि जिसके साथ वो इस प्रकार की घिनौनी घटना घटती हैं वो कम से कम उनकी पुण्य आत्मा या ये कह सकते हैं कि वो उनके परिवार जो है वो इस बात को जो है वो सेटिस्फाई हो कि इस प्रकार के दोषियों को जो है वो तुरंत सजा मिली है। पर जहां तक आज की बात है, जिस तरह से आज वहां पर पुलिस के द्वारा जो है वो शूट आउट किया गया है, वो मैं समझता हूं कि अपने आप में वो घटना तभी घटी है कि जब वो मौके पर गए थे उनको लेकर, और उस घटना स्थल का जो है वो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन उस साइट का वो कर रहे थे, और उन्होंने जैसे बताया गया है कि वो उन्होंने कोशिश की भागने की और पुलिस पर भी उन्होंने उन्हीं की जो है बंदूकों से जो है वो प्रहार करने की कोशिश की, उनको गोली चलाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि पुलिस ने अपने आत्म जो है उस बचने के लिए जो है वो इस प्रकार की जो है वो घटना घटी है। पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि कानून सख्त जरूर है। कानून हमने निर्भया कांड पर जो है बनाया भी था और बनाया है, परंतु उसको लागू करने में देरी जितनी ज्यादा होगी, तो मैं समझता हूं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जल्दी से जल्दी जो है वो न्याय मिलना चाहिए ताकि लगे कि ये न्याय हुआ है। आए दिन जो बहु बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, जो हमें घटनाएं देखने को मिल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ, निर्भया कांड जब हुआ था तो उस पर कानून बना, तो वो कानून जल्दी लागू हो, उसके लिए कड़ा कानून बने। उन वार्ड में जो अपना वो पेशी के लिए कोर्ट में जा रही अपराधियों ने उसको जिस तरह से जलाया, जिंदा जलाया उसको, 90% वो लड़की जो जल गई है, क्या इस तरह से अपराधियों को छूट देंगे? जब तक हमारे ये कानून सख्त नहीं बनेंगे और फास्ट ट्रैक नहीं लागू किया जाएगा, तब तक मुझे ये लगता है कि हम इन पे रोक नहीं लगा सकते। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।